कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। शिव सैनिकों ने लगाए मेडिकल पर बेहोश कर लूटने का आरोप। दरअसल शिव सैनिकों का कहना है कि मेडिकल में मरीजों को बेहोश करके उनके साथ लूट की जाती है। शिवसेना के महासचिव ने बताया कि बीती 3 तारीख को मेडिकल में एक महिला के साथ लूट हुई, जिसको पहले इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर दिया गया। उसके बाद कैमरे के सामने ही उसका सामान चुराया गया, पहले पर्स फिर मोबाइल फोन आदि, जिस पर रिपोर्ट करने पर मेडिकल थाना पुलिस ने कोई ना कोई बहाना बनाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इनका कहना है कि मोदी नगर, मुंडाली आदि की ऐसी दर्जनों महिलाओं के साथ वहां ऐसा अपराध हुआ है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायती पत्र लेकर शिव सैनिक SSP ऑफिस पहुँचे और कार्रवाई की मांग की। इस बारे में प्रदेश के शिवसेना महासचिव धर्मेंद्र तोमर ने यह जानकारी दी। धर्मेंद्र तोमर, शिवसेना प्रदेश महासचिव, आज मेरठ इकाई शिवसेना की सड़कों पर उतरी है, SSP साहब को ज्ञापन दिया है। कारण है, प्रदेश सरकार का नारा था अपराध मुक्त प्रदेश, लेकिन वो प्रदेश की तो बात बहुत दूर, मेरठ के किसी थाने को भी अपराध मुक्त नहीं कर पाए। सीधा कारण है, अपराध मुक्त हो क्यों नहीं रहा, कहीं ना कहीं पुलिस अपराधियों से मिली हुई है, इसी कारण से अपराध मुक्त प्रदेश भी नहीं हो पा रहा, अपराध मुक्त मेरठ भी नहीं हो पा रहा और अपराध मुक्त कोई थाना भी नहीं हो पा रहा। इसी के विरोध में हम उतरे हैं। हमने अभी, हमारे संज्ञान में एक मामला आया, मेडिकल थाने में जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज का अस्पताल, वहाँ मरीजों को बेहोश करके उनके साथ लूटपाट की जा रही है। 3 तारीख में एक महिला के साथ लूटपाट हुई, उसको बेहोश कर दिया गया जहर करानी ग्रोह की महिला ने। कैमरे के सामने घटना घटी, क्योंकि महिला कैमरे के सामने बेहोश पड़ी थी, उसके पर्स को लूट लिया, उसके कुंडल लूट लिए, उसके जेवर लूट लिए, उसका मोबाइल लूट लिया। महिला के परिवार वाले थाने पहुँचे, FIR की कॉपी, तहरीर की कॉपी दी, लेकिन FIR दर्ज नहीं करी। पहले थाने ने कहा कि कैमरे में आ नहीं रहा है, दोबारा कहा कि कैमरे खराब हैं। हमने कहा हो सकता है, लेकिन न कार्रवाई, FIR भी दर्ज नहीं करी और केस भी नहीं खोला। फिर हमने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करी तो पता चला मुडाली की भी एक और महिला के साथ इसी तरह का अपराध हुआ, बढ़ला की एक महिला के साथ इसी तरह का अपराध हुआ, मोदी नगर की एक महिला के साथ इस तरह का अपराध हुआ और दर्जनों से ऊपर अपराध हुए, लेकिन किसी में भी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी, सारी घटनाओं को दबा कर बैठ गई। हम उन दबी हुई घटनाओं को उजागर करने SSP साहब के पास आए और कहने आए हैं कि पुलिस, तुम्हारी थाना पुलिस इन्वॉल्व है, इन लुटेरों से मिली हुई है, उसका हिस्सा बटा हुआ है, हिस्सा बांट हो रहा है, इसी कारण थाने की लूट खोल नहीं पा रहे हैं। इसी के लिए SSP साहब को आज ज्ञापन दिया और मांग करी है कि थाना को भी इन्वॉल्व करते हुए इन सारी जांचें कराई जाएं और सारी रूटों को खोला जाए।